इसके अलावा देश में जो माहौल है, फार्मा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ कहूंगा, यही है, सही चीज होनी चाहिए हर एक के साथ। ससिकाल दोस्तों, की हाल चाल है जी, तुसी देख रहे हो तो हाड़ा अपना खबरी डाकिया एक बार फिर तो हाजिर हो चुके हैं इस समय दिया कुछ खास अपडेट्स लेके जो कि हुने हुने चर्चा का विषय बनिया हन अते तो हाड़े तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तां दोस्तों बिना देर किते शुरू कर दें आज दी वीडियो। दोस्तों सब तो पहला गल गद्दारां दी करिए जां फिर वफादारां दी करिए, चलो पहला गद्दारां दी गल ही कर लैने आ। दोस्तों सब तो पहला गल करदे आ युवराज सिंह भारतीय क्रिकेटर दी, जिसने के एक पोस्ट पा के खलबली मचा दित्ती ते पंजाब दे नाल गदारी कर दित्ती। अते दोस्तों यह पोस्ट जो युवराज सिंह ने पाई सी, हुण इस दे बारे कई बड़े खुलासे होण लगे हन कि इसने किस दे कहण उत्ते यह पोस्ट पाई सी। अते दोस्तों इस दा खुलासा कीता है मोहम्मद जुएर, जो कि ऑल्ट न्यूज़ तो हन अते कई गलत खबरां दी पहचान करदे रहिंदे हन। जदों भी भगत किसी झूठी खबर नूं सच्ची बना के सोशल मीडिया के उपरों वायरल करते हैं तो मोहम्मद जुबेर इन्हां नूं आके खंगालदे हन, पड़ताल करते हैं कि यह सही है जां फिर गलत। अते दोस्तों मोहम्मद जुबेर ने ही युवराज सिंह वल्लों पाई गई पोस्ट अते बॉलीवुड सितारियां वल्लों पाई गई पोस्ट के उपर एक नवां खुलासा किया है। दोस्तों युवराज सिंह ने जिस समय ट्विटर के उपर ट्वीट किया उसके नाल ही मोहम्मद जुबेर ने उन्होंने यही फोटो टैग कर दी जिहड़ी कि तुसी अपनी स्क्रीन के उपर देख रहे हो। अते दोस्तों इन्हां सितारियां वालों जो ट्वीट करे गए हैं इन्हां दे सारियां विच ही एक शब्द सब ने लिखा है जो कि इंग्लिश का शब्द है एम ए कबल, इस हर एक सितारे ने वरत्या है। अते दोस्तों इस तो साफ हो जाता है कि इन्हां सितारियां यह ट्वीट भेजा गया सी, इन्हां ने सिर्फ कॉपी करके पेस्ट किया है अते ट्वीट कर दिता, क्योंकि दोस्तों इन्हां सारयां दे टैग भी सेम हन। अते दोस्तों नाल ही इन्हां ने जिहड़े टैग वरते हन यह विदेश मंत्रालय ने भी टैग वरते हन जदों रिहाना की गल दे विच उन्हां ने सफाई दित्ती सी। दोस्तों यह भी पहली बार होया सी जदों विदेश मंत्रालय नूं एक गायिका का जवाब देण वास्ते सामने आना पिया है। अते दोस्तों युवराज सिंह नाल भी इसे तरह होया है, उस नूं भी पोस्ट भेजी तां गई है पर उस दे विच इह शब्द नहीं हन जो कि इन्हां ने सब ने ही अपनी ट्वीट दे विच वरते हन। उस दी ट्वीट दे विच थोड़ा जिहा फर्क है, मोहम्मद जुबेर ने इत्थे ही युवराज सिंह दे उपर चुटकी लई अते उस नूं पुछ लिया कि तुसी ने यह शब्द क्यों नहीं लिखा, इस दी जगह पीसफुल लिख दिता। वैसे दोस्तों इन्हां सारे ही सितारियां वालों लिखा गया शब्द एम ए कबल का मतलब इंग्लिश दे विच सुखी हुंदा है अते पीसफुल का मतलब भी कुछ इहो जिहा ही निकलता है। कहण तो भाव युवराज सिंह ने उही गल लिख दित्ती जो कि उस नूं लिखण नूं कहा गया सी पर उसने शब्दां दे विच थोड़ी जी हेरफेर कर दित्ती। वैसे दोस्तों इस गल तो यह साबित हो गया कि युवराज सिंह ने भी पंजाबियों नाल गदारी कीती है अते किस दे कहण उते पोस्ट पाई है यह सब दे सामने आ ही गया है। उत्थे ही दोस्तों दूसरे पासे तुहानूं दस दईए कि लखा सदाणा अते दीप सिद्धू वास्ते एक वड्डा खुलासा कीता है सिख प्रचारक डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उद्दोके ने। उन्होंने कहा है के दीप सिद्धू अते लखा सधाणा नूं मरवाउण दी साजिश खेडी जारी है। बाकी दोस्तों इन्हां गल्लां विच किन्नी क सच्चाई है इह तां आउण वाला वक्त ही दसेगा। खैर दोस्तों उत्थे ही कुछ पंजाबियों का कहना है कि लखा सधाणा अते दीप सिद्धू दे नाल जथेबंदियां अते पंजाब दे लोक बहुत माड़ा कर रहे हैं। नाल ही दोस्तों हुण वधदे अगे लैने आ अपनी अगली अपडेट। दोस्तों जिथे कि बॉलीवुड सितारे सरकार की चमचागिरी मार रहे हैं उत्थे ही दोस्तों बॉलीवुड दे विचों ही कुछ सुर उठन लगे हैं किसानां दे पक्ष विच अते किसानां नूं बहुत वड्डी सपोर्ट मिलती हुई हुण बॉलीवुड तो भी दिखाई दे रही है। दोस्तों जिथे कि सोनाक्षी सिन्हा ने पोस्ट पाई सी, सोनू सूद ने भी किसानां दे हक विच पोस्ट पाई, उस तो बाद दोस्तों हुण एक बहुत वधिया पोस्ट सुशांत सिंह ने भी पाई है जिस नूं कि तुसीं सावधान इंडिया वगैरह दे विच देखते हो अते कई बॉलीवुड दीआं फिल्मां दे विच भी यह कम कर चुके हन। अते दोस्तों इन्हां दी पोस्ट जरा ध्यान नाल देखणा कि आखिर इन्हां ने लिखिया की है। दोस्तों सुशांत सिंह ने किसानां दी सपोर्ट करदे होए अते पूरे बॉलीवुड दे चमचां दे मूँह दे उपर चपेट मारदे होए अपने ट्विटर दे उपरों लिखिया कि सरसों के खेत दिखा दिखा के करोड़ों कमाए, जब खेत बचाने का वक्त आया तो तेल निकल गया इनका। यानी कि दोस्तों इन्हां दा सीधा सीधा निशाना उन्हां एक्टरां दे उपर है जिन्हां ने किसानां दे खेत दिखा के सरों दे हरे हरे फुल दिखा के अपनियां फिल्मां तो करोड़ां रुपये कमाए अते अज जदों किसानां नाल खड़न दा टाइम आया तां दोस्तों इन्हां दी हवा निकल गई।
बाकी दोस्तों शान सिंह वर्गे एक्टरां दी दाद भी दिंदे आ कि इह इहो जिहे माहौल दे विच भी अपनी गल रख रहे हन। दोस्तों तुहानू याद होवेगा जहाज वाला जट जिसने कि जहाज दे विच चढ़ के प्रचार कीता सी अते उदों दी इक वीडियो सोशल मीडिया दे उपर बहुत ज़्यादा वायरल होई सी, जिस तों बाद कि इह जहाज वाला जट भी चर्चा दे विच आ गया सी, जिन्हां दा कि पूरा नाम कुलवीर सिंह मुश्काबाद है। अते दोस्तों तुहानू दस दईए इन्हां ने धर्मेंद्र दे घर दे अगे जाके भी विरोध प्रदर्शन कीता सी। अते दोस्तों तुहानू दस दईए कि हुण एक बार फिर तो यह अजय देवगन दे घर बार गए हन अते इन्हां ने उत्थे जाके सिक्योरिटी गार्ड नूं कहा कि अजय देवगन दे नाल गलबात करवाओ, पर दोस्तों अजय देवगन दे नाल गल तां इन्हां दी नहीं हो सकी। इन्हां दा कहना सी कि अगर मेरी अजय देवगन नाल गल हो जांदी तां मैं उस नूं लाणता पाउंदा कि लाणतिया चाबियां दीआं पग्गां बन बन के इन्ने पैसे कमाए, जदों पंजाबियां नाल खड़न दा टाइम आया तां तूं मिंटां विच पलटी मार गया। अते दोस्तों नाल ही कुलवीर सिंह दा कहना है कि इस नूं इस करके भी लाणता पाउणियां जरूरी सी क्योंकि इन्हां दा जो पिछोकड़ है ओह पंजाबी है। अजय देवगन दा जो बाप सी वीरू देवगन ओह पंजाबियां नाल बहुत प्यार करदा सी। अते दोस्तों हुण वधदिआं इक होर वड्डी खबर दे वल जो कि सोशल मीडिया दे उपर अग दी तरह वायरल हो रही है। दोस्तों एक पासे जिथे अजय देवगन अक्षय कुमार करण जौहर सचिन तेंदुलकर सुनील शेट्टी सरकार दे पक्ष विच आए ने किसानां दे विरुद्ध आए हन, उत्थे ही दोस्तों दूसरे पासे थोड़ा बहुता लग रहा है कि सलमान खान ने किसानां दे पक्ष दी गल करी है। दोस्तों ऐसी एक वीडियो सोशल मीडिया दे उपर वायरल हो रही है जिस दे विच के कल एक पत्रकार ने जदों सलमान खान नूं पुछया कि इंटरनेशनल मुद्दा बन चुक्या किसानां दा मुद्दा तुहाडा उस बारे की विचार है, तां दोस्तों सलमान खान पहलां तां चुप हो गए अते बाद दे विच सलमान खान ने घमाके जे एक गल कही है क्योंकि दोस्तों सीधा सीधा सलमान खान इस करके भी कुछ नहीं आख सकता क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े सितारों के बड़े बड़े पंगे होंदे हन, इसे करके सलमान खान नूं भी डर होवेगा कि अगर मैं सीधा सीधा बोलता हाँ जिथे के भगत मेरी फिल्म का विरोध करनगे उत्थे ही सरकारी एजेंसियां भी मेरे पिछे पै जाणगियां। देश में जो माहौल है फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ आपकी राय है? बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है। हाँ कहूँगा, जरूर कहूँगा, द मोस्ट नोबल थिंग शुड बी डन, यही है, सही चीज होनी चाहिए हर एक किसान। तां दोस्तों किसानां दे मुद्दे दे उपर इह सी सलमान खान दा एक बयान जो कि सोशल मीडिया दे उपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। चाहे दोस्तों सलमान खान ने सीधा सीधा किसानां दी सपोर्ट नहीं की पर दोस्तों इस नूं भी किसानां दी सपोर्ट दे विच ही देखा जा रहा है क्योंकि दोस्तों जिस तरह के असीं पहलां दस चुके हां कि बड़े सितारां दे पंगे भी बड़े हुंदे हन, इसे करके सब सीधा बोलण तों डरदे हन क्योंकि मिंटां दे विच तां इह इल्जाम लग जांदे हन कि इह देश विरोधी हन जदों कोई किसानां दे हक विच बोलदा है। खैर दोस्तों ऐनी चीज़ लई भी सलमान खान की तारीफ करनी लाजमी है जिथे कि दोस्तों अजकल सरकार के पिछे सारे ही बड़े बड़े सितारे पूछ मार रहे हैं, सलमान खान फिर भी कितने ना कि किसानों के पक्ष में बोले हैं। तो दोस्तों ये अज दिया कुछ खास बड़िया अपडेट्स, वीडियो वधिया लगी हुए वीडियो नूं लाइक कर दिओ, नाल ही अपने खबरी डाकी नूं सबसक्राइब भी कर लेना। दोस्तों इस तों अलावा अपना फेसबुक के उपर एक पेज भी है जिसका नाम है खबरी डाकिया, उस नूं भी फॉलो जरूर कर लिओ।